वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइटर ब्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल अंदर। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जितने मेरे यंगस्टर युवा हैं जो भी कोई जॉब के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए मैं वैकेंसी आज मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों भी मैं आपको बता दूँ, ये आप देख रहे होंगे परफॉर्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, भारतीय सेना अम्बाला कैंट जो है वहाँ पर जो है ये वैकेंसी निकल कर आई है। ये जो वैकेंसी है ये मुख्यालय पंजाब हरियाणा और हिमाचल वन एवं सब एरिया अम्बाला के लिए निकल कर आई हुई है। क्लर्क, स्टेनो, फायरमैन, कुक, मैसेंजर, चौकीदार, साइबल और अन्य पद इसमें है शामिल है। दोस्तों योग्यता इसमें 10वीं और 12वीं पास चाहिए। दोस्तों आपको महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जो इसका प्रोसेस है वो ऑफलाइन प्रोसेस है और इसके जो जो पद है इसके अंदर वो इसके अंदर है पोस्ट जो 37 पोस्ट पे ऊपर निकल कर आई है। पहली पोस्ट जो है मैसेंजर की है दोस्तों, इसमें 15 पद निकल कर आए हैं। दूसरी मजदूर की है जिसमें 3 पद है। तीसरी जो है रेंज चौकीदार की है जिसमें 2 पद है और जो गार्डनर की है उसमें 2 पद हैं। सफाई वाले के 3 हैं, कुक के 5 हैं, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के जो 3 पद हैं, फायरमैन के 2 हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क का जो 1 है और स्टेनोग्राफर ग्रेड के 2 यहां पर पद की यहां पर वैकेंसी निकल कर आई है। दोस्तों ये निशुल्क भर्ती है। दोस्तों यहां पर कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, यहां पर सिर्फ आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के आपने जो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी हेडक्वार्टर PH&HP1 सब एरिया अम्बाला कैंट डिस्ट्रिक्ट अम्बाला 133001 के ऊपर आपने सेंड कर देना। दोस्तों अब मैं ये भी बताता हूँ दोस्तों, इसको अपने जो है प्रोसेस भी बताऊंगा इसका, कैसे आपने फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप करना है ताकि आप कोई फॉर्म के अंदर गलती ना कर पाओ और आपका फॉर्म वहां पर रिजेक्ट हो जाए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों कि इसमें आपको जो एप्लीकेशन के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से आपको देने हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपने लगाना है इसके अंदर और उसके बाद जन्म तिथि के लिए वो जो आपका 10th का वही सर्टिफिकेट यहाँ काम आ जाएगा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी उसमें लगा सकते हो, ठीक है। और जितने भी आपने शिक्षा कर रखी है उसके बारे उसका भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो। जो जितने भी सर्टिफिकेट आप भेजोगे वो सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं आपने, ठीक है ना। एक आपने लिफाफा लेना है, लिफाफे के ऊपर 25 रुपए की डाक टिकट लगानी है। डाक टिकट लगा के उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस, और वो भी उस लिफाफे के अंदर आपने डालना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र भी आपने लगाना है अगर आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं, और अनुभव प्रमाण पत्र की अगर प्रतिलिपि अगर आपके पास है अगर तो उसको भी लगाना है आपने। आधार कार्ड भी आपने लगाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और अगर आप कोई खिलाड़ी हो तो उससे संबंधित भी कोई प्रमाण है तो उसकी प्रति भी लगा सकते हो, और भूतपूर्व सैनिक हो तो उसको तो आपका PPO और डिस्चार्ज बुक आपने वहां पर उसका कॉपी लगाना है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपने उसमें डालने हैं, एक्स्ट्रा डालने हैं। 3 तो आपके फॉर्म के ऊपर लगेंगे और 4 फोटो जो है एक्स्ट्रा आपने उसके अंदर क्या लिफाफे के अंदर डालने हैं, ठीक है। शारीरिक फिटनेस के लिए आपने मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसमें लगाना है, और यदि आप सेवारत हो तो उसके लिए आपको NOC सर्टिफिकेट भी उसमें लगाना है दोस्तों, ठीक है। ये सारे ये तो कुछ खास खास बातें जो मैंने आपको बता दी दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो है आपका फॉर्म कैसे भरोगे, तो वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है आपने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है, ठीक है ना। एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और सही से अपने फॉर्म को भरना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैसेंजर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले ऊपर पोस्ट का नाम भर देना है, ठीक है। और जिस भी आपने रेफरेंस देखना है, न्यूज़पेपर का रेफरेंस आपको ना इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर का जो रेफरेंस है इस एडवर्टाइजमेंट में। देखो दोस्तों कहां पर लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये देखो दोस्तों 7वां नंबर पॉइंट जब आप पढ़ोगे यहाँ रेफरेंस पॉइंट, ये देखो 7वां नंबर पर जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज़पेपर का जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर का नाम है, डेटेड है 9 सितंबर 2023 और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1152/2/CRA, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है प्रॉपरली। तो आपने इसको मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली ऐसे भरना आपने जैसे मैंने भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो है जो भी है आपका जेंडर है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपका यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की डिटेल भर देनी है आपने। यहाँ पर अपना प्रॉपरली एड्रेस भरना है दोनों साइड में आपने, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है या जो भी है। उसके बाद आपने 10th की यहाँ पर अपने मार्क्स भर देने हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट बात करूँ उसके सेकेंड पेज की। सेकेंड पेज पर जब हम आ जाते हैं, सेकेंड पेज पर यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन का कॉलम है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है।
अगर सर्विसमैन, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आप, अगर आपने आपने खुद को रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपने वहाँ का नंबर डालना है यहाँ पर। अगर आप मैन हो तो आपका लेफ्ट थंब लगेगा, अगर आप फीमेल हो तो आपको यहाँ पर राइट थंब लगेगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहने वाले हैं, होने वाले हैं इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट भर देनी है और जो भी स्थान है वहाँ का आपने भर देना है। ये तो हो गया फॉर्म नंबर एक की बात, ठीक है। एक नंबर फॉर्म हो गया जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर टू की, ठीक है। फॉर्म नंबर टू में होगा आपका एक्नोलेजमेंट कार्ड ऐसे, ठीक है। एक्नोलेजमेंट कार्ड में आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपकी पोस्ट का नाम और आपका एड्रेस दोनों साइड में यहाँ पर आ जाएगा। ये नीचे वाला आपने खाली छोड़ देना, ऑफिशियल यूज के लिए है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग टेस्ट और वेन्यू ऑफ टेस्ट है, ये कौन लिखेगा जो वहां पर आपको जो ऑफिस से वहां से मिलेगा। एक आएगा इसमें अंडरटेकिंग और बिलिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों इसके अंदर आपने बिलिंग करना है आपने आपको कि जितनी भी आप इसके अंदर जो आपकी ऑल इंडिया जितना भी जहां भी कहीं आपको इसका पोस्ट मिलेगा, आप ऑल इंडिया में जो है सर्व करने के लिए तैयार हो, तो विलिंग सर्टिफिकेट आपने एक साइन करके देना है। यहां पर भी आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम, आपके यहां पर स्टेट का नाम आ जाएगा, साइन करना है और आपका नाम लिख देना है, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा नंबर फॉर्म का। इसके बाद चौथा नंबर फॉर्म इसका आता है, जो लास्ट फॉर्म ये है इसका, ठीक है। इसके अंदर भी आपका फोटो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा दोनों साइड में आपका, सिर्फ एड्रेस भरना है आपने दोनों साइड में, बाकी ये ऑफिशियल यूज के लिए है। बाकी वहां से भरकर ही आपको एक कॉल लेटर जो आएगा, ये कॉल लेटर है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये थे तीन फॉर्म। और इसके बाद दोस्तों जो अपने, अगर आप एक्सप्रेस सर्विस मैन हो तो आपका क्या लग जाएगा, पहले पीपीओ लग जाएगा, उसके बाद आपका ये डिस्चार्ज लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज बुक के, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बाद आपका ट्वेल्थ की मार्कशीट लगा देनी है, टेंथ की मार्कशीट लगा देनी है, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट यही लगा देना है आपने ऐसे, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया ये हेल्थ मेडिकल का, ठीक है। और उसके बाद आपने टेंथ का हो गया, उसके बाद आपका ये पैन कार्ड लगा देना है, उसके बाद आपने आधार कार्ड लगा देना है, उसके बाद आपने ये कोई भी अगर कंप्यूटर कोर्स कर रहा है वो भी लगा सकते हो आप, खेल अगर कोई सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो, अगर कोई अकोमोडेशन सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आप लगाना चाहो वो आप बाकी चीज़ें लगा सकते हो। और जितने भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाओगे दोस्तों, वो सारे अपने सेल्फ अटेस्टेड करके ही यहाँ से भेजने हैं। जो आपने, मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है, जो कि फॉर्म के ऊपर मैंने आपको बताया पहले, जैसे कि फॉर्म के ऊपर जो भी आप फॉर्म यहाँ पर लगा रहे हो, जितने भी फॉर्म आप भर रहे हो, ठीक है ना, उस फॉर्म को अपने जो फर्स्ट फॉर्म भरा है उसको भी आपने ये फोटो को क्या है सेल्फ अटेस्टेड करना है, अपना साइन करना है क्रॉस में, ठीक है, जो पहला फॉर्म भरा है आपने उसमें। और जो ये वाला एक्नॉलेजमेंट कार्ड है इसमें आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है फोटोज को भी साथ में, ठीक है। बाकी वो थर्ड वाले में जरूरत नहीं है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने की, जो कि मैंने आपको दिखाया कॉल लेटर पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ जानकारी दोस्तों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो और लोगों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं, ताकि और लोग भी अच्छे से अपने फॉर्म को भर सके और इसमें कोई वो गलती ना कर सके दोस्तों। तो ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लेके आता रहता हूं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये शेयर करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत ही क्लोज होने वाली है, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लास्ट डेट इसकी 5 अक्टूबर 2023 है। 5 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है वहां पर फॉर्म आपके सबमिट होने की दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।